आजादी का पहला दिन, पहला डे है आज मेरी इंडिपेंडेंस का। कल मेरा टाटा बाय बाय हो गया भाई मेरे ऑफिस से। और अगर आप लोगों को नहीं पता है तो ठीक एक महीना पहले मैंने अपनी यूएस की रिमोट जॉब से रिजाइन किया था। oh, hell no! जिसमें 10 दिन का नोटिस पीरियड था, बट मेरी कंपनी वालों ने कहा कि भाई थोड़े दिन और रुक जाओ, थोड़ा अच्छे से ट्रांजिशन कर दो, ऐसे ढोके। एक महीना पूरा हो गया है और आज है 29th of Feb एंड आज भाई साहब पहला दिन मेरी इंडिपेंडेंस का अगेन। और अभी हम जा रहे हैं सुबह उठ के सबसे पहला काम करने मंदिर। तो पहले हम मंदिर जाएंगे और उसके बाद हम अपने काम की शुरुआत करेंगे। 10 seconds later ये देखो भैया, सुबह निकले हैं हम लोग और सबसे पहले हम लेंगे प्रसाद और हम जाएंगे साई बाबा के मंदिर। तो आज अच्छी बात यह है कि आज भाई थर्सडे भी है, तो थर्सडे साई बाबा का दिन होता है एंड दिस वाज नॉट प्लान्ड। ऑफिस वालों ने कहा कि भाई कल तुम्हारा लास्ट डे कर देते हैं और उसके बाद रियलाइज किया कि अब ये बात कर रहे थे चल यार लास्ट डे कल हो जाएगा, तो हम लोग जो है नेक्स्ट डे जो है मंदिर हो लेंगे, साई बाबा वाले मंदिर हो लेंगे। तो हम ये सोच ही रहे थे और तब ध्यान आया कि ओ भाई ये तो थर्सडे भी है, तो थर्सडे साई बाबा का दिन होता है। और मेरे साथ ये पता नहीं क्यों होता है कि जहाँ पे मेरे घर के पास साई बाबा का मंदिर है वहाँ पे किसी ना किसी रीजन की वजह से थर्सडे को मेरा चक्कर लग ही जाता है, मतलब नॉट इनसाइड द मंदिर बट उससे गुजर ही जाता हूँ मैं। तो तब से मेरी बहुत ज़्यादा मेरा बिलीफ बढ़ गया साई बाबा में एंड दैट इज वाई वी आर गोइंग टू द टेम्पल राइट नाउ। और मैं मनाता हूँ कि आप लोग जो लोग भी जो है जॉब कर रहे हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या वैसे ही अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ आई विश यू ऑल गाइस ऑल द वेरी 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 बेस्ट। मैं चाहता हूँ आप लोग भी जल्दी से जल्दी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सको एंड ये फ्रीडम को एंजॉय कर सको। मतलब मुझे बंधा रहना भाई कभी भी नहीं पसंद है। जॉब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है भाई छुट्टी लेना है तो नहीं ले सकते हो, इधर जाना तो नहीं जा सकते हो कि भाई आपको उस समय कॉल करना है, ऑफिस मीटिंग्स होती हैं, ये होती है वो होती है। इवन रिमोट जॉब भी होते हुए बहुत ज़्यादा बंदिशें होती हैं विच आई डोंट लाइक एट ऑल। ठीक है, बहुत लोगों को जॉब से मज़ा भी आता है एंड मुझे नहीं आता भाई, मुझे अपनी फ्रीडम प्यारी है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर माई लाइफ अहेड, फॉर द बिजनेस अहेड। एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि मैं पूरा बिजनेस जो अपना रन करने वाला हूँ वो मैं आप लोग के सामने शूट करके ब्लॉग्स पे दिखाने वाला हूँ, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो बहुत लोग होते हैं जो कि बिजनेस गुरूज होते हैं एंड बहुत चीज़ें बताते हैं बिजनेस के बारे में, मैंने भी उन लोगों से बहुत कुछ सीखा है, बट वो सिर्फ बताते हैं कि यार ये फ्रेमवर्क है इसको अप्लाई कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। मैं आप लोगों को अपने ब्लॉग से ये दिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअली में कैसे रन होता है बिजनेस, ताकि उससे आप सीख सको। और वो सिर्फ आपको अपने बिजनेस में हेल्प नहीं करेगा, आपको आपकी जॉब्स में भी हेल्प करेगा। दैट इज द होल आइडिया। तो अगर मैं आगे बढ़ा अपने बिजनेस में तो वो आप लोगों की वजह से ही होगा, क्योंकि जितना मैं आगे बढ़ रहा हूँ उतना आप लोग को सिखा पाऊंगा और उसको सीख के आप लोग भी आगे बढ़ पाओगे। देखा जाए तो आप लोगों को आगे बढ़ना है तो मैं आगे बढ़ूंगा। A little longer than a few minutes later. तो भाई प्रसाद ले लिया हमने, आधा किलो मोतीचूर लड्डू। अब घर में सबकी शुगर बढ़ी हुई है और बाकी लोग डाइटिंग कर रहे हैं इसलिए एक किलो ले नहीं सकते थे, अदरवाइज भाई मोतीचूर लड्डू बहुत पसंद है। भाई गुजिया आ चुकी है मार्केट में होली से पहले, एक महीना है अभी होली में लेकिन गुजिया अभी से आ गई है। कह रहे हैं भाई अभी से जो लोग बाहर जा रहे हैं वो सब लेके जा रहे हैं, कल कह रहे हैं 5 किलो हमने गुजिया एक बंदे को बेची है, वही दिल्ली जा रहे थे तो हमने कहा चलो और भी मंगा लेते हैं। मिठाई ले ली है और अब हम जा रहे हैं मंदिर। हाँ, एक बहुत बढ़िया चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि हम जब भी कभी मिठाई की दुकान पे जाते हैं तो ये भाई साहब को जो है एक मिठाई का टुकड़ा जो है दुकान वाले दे देते हैं। और फिर इसका होता है कि अब चलो मिठाई की दुकान पे, जब एक बार ख़त्म हो जाता है ना तो दोबारा हमको एक और विजिट पे लेके जाता है जिसमें कि हम लोग कुछ ना कुछ और ले लेते हैं। दिस इज बिजनेस। तो एक ये भी बहुत ही सही स्ट्रैटेजी है कि बच्चे आ रहे हैं दुकान पे उनको कुछ ना कुछ दे दो आप, ताकि वो बच्चे अपने माँ बाप को खींच के लेके आए। तो जैसे मैकडॉनल्ड्स ने किया भाई, हैप्पी मील के साथ खिलौने देते हैं और मैकडॉनल्ड्स चाहे टेस्ट में कितना ही अच्छा हो बेकार हो लेकिन बच्चों को भैया मैकडॉनल्ड्स ही जाना होता है क्योंकि उनकी इंटरेस्ट की चीज़ मिल रही है। और जहाँ बच्चे बोलेंगे भैया पेरेंट्स मना जल्दी नहीं कर सकते, एटलीस्ट आजकल के पेरेंट्स नहीं मना कर सकते, हमारे टाइम पे बातें अलग थी। तो इनको दे दी गई एक मिठाई का टुकड़ा, एक मिठाई का पीस और होपफुली ये वापस नहीं लेके जाएगा आज, लेट्स सी। A few moments later पहुंच गए भाई हम मंदिर
साईं बाबा वाले, मिठाई उठाई लेके आ जाओ जी। तो जैसे कर दो करोगे जैसे भाई, हाथ हमने जोड़ लिए हैं और पंडित जी ने भी जो है रिवान को दे दिया है लड्डू। लड्डू हमारे लड्डू को लड्डू मिल गया है और रिवान बहुत हैरान है कि आज लोग उस पर इतने मेहरबान क्यों हैं, क्यों उसको मिठाइयाँ दिए जा रहे हैं। चलो जी अब होगी बिजनेस की शुरुआत मस्त वाली। हम बाहर से एक चक्कर काट रहे हैं मंदिर का। अच्छा बाहर से आई थिंक कोई तरीका नहीं चक्कर काटने का, अंदर से ही तरीका है। तो भाई सुबह सुबह मंदिर भी हो लिया है, प्रसाद भी खा लिया है, थोड़ा सा दान भी कर दिया है और भगवान जी से बहुत सारा बोला है कि भैया एक बार पहले भी नौकरी छोड़ चुके थे और सक्सेस नहीं मिली थी, अब की बात प्लीज प्लीज ध्यान रखिएगा कंट्रोल कि जो कर रहे हैं उसमें सक्सेस मिले। एंड दिस टाइम आई एम वेरी 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 कॉन्फिडेंट कि भाई आप लोगों का साथ है तो सक्सेस मिलेगी, और सिर्फ मुझे नहीं मिलेगी आप लोगों को भी मिलेगी। एंड मैं पूरी कोशिश करूंगा जितना आप लोगों को सिखा सकूं उतना सिखाऊं और आप लोगों को भी सक्सेसफुल बनाऊं। हम आ गए हैं घर और आज एक और स्पेशल डे है, वो है सैलरी डे। आज है 29 फेब, जो कि 4 साल में एक बार दिन आता है, तो बहुत सारे दिन हैं जो कि एक साथ कंबाइन हो रहे हैं। थर्सडे भी हो गया, 29 फेब भी हो गया जो कि 4 साल में एक बार आता है, सैलरी डे भी हो गया और ये ऐसा दिन मुझे मिला है जो कि मेरे बिजनेस जर्नी का, एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी का भाई पहला दिन है। एंड तो अभी मैं सबसे पहले यही करूँगा कि यार देखूँगा जिनको भी सैलरीज देनी है वो सैलरीज डिसबर्स करूँगा। भाई कुछ भी हो जाए ऑलवेज मेक श्योर इफ़ यू आर रनिंग अ बिजनेस दैट सैलरी आपकी हमेशा टाइम पे जानी चाहिए आपके एम्प्लॉयज़ को या आपके जिनको भी आपको वेंडर्स को जिनको भी देना है जो भी पैसे देने हैं, क्योंकि टाइमली चीज़ें करने से जो रिस्पेक्ट सामने वाले के उसमें आती है और अपने काम के प्रति जो उसके वो होता है कि नहीं यार जब मेरे को सब कुछ टाइम पे मिलता है तो मैं क्यों डिले करूं। एंड ये एक तरह से यू कैन से कि राइट है, क्योंकि एक महीना भाई काम करने के बाद रगड़ने के बाद एंड अगर आप उनको सैलरी टाइम पे नहीं देते हो तो भाई आप ये इससे गलत बात कोई नहीं हो सकती। हाँ कई बार ऐसा होता है कि नहीं दे सकते, बैलेंस नहीं होता, कैश फ्लो नहीं होता, 50 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को खुश नहीं रख पा रहे हो तो अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को कभी खुश नहीं रख सकते, ये गांठ मार लो इस बात को। तो अगर आपकी अपनी टीम अच्छी है, अपनी टीम खुश है, अंदर का स्टाफ खुश है, तभी बाहर के लोग खुश हो सकते हैं। जब अपने ही लोग ही नहीं खुश हैं और लड़मर रहे हैं, रो रहे हैं, धो रहे हैं, तो बाहर के लोग कभी खुश नहीं होंगे। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो भाई आज हो रही है कि कल मैंने एक पेड कोलैब वाली अपनी एक रील डाली थी जिसमें मेरा ब्रांड कोलैब है एक क्रेडिट कार्ड के साथ, तो वो वाली रील भाई साहब डालते ही जो फटी है मतलब कल शाम को आई थिंक 6:30, 6:45 शायद डाली होगी या 6 बजे डाली होगी, आई डोंट रिमेम्बर द एक्चुअल टाइम। और आज सुबह जब मैंने उठ के देखा तो ऑलरेडी उस पर 2.5 लाख व्यूज़ थे, 2.5 लाख व्यूज़ इतनी से कम देर में। मुझे पता है अभी ये कुछ देर बहुत सारा फटने के बाद रुक जाएगी वीडियो और फिर और कुछ दिनों बाद वापस से पिकअप करेगी, अगर करी तो करी नहीं तो नहीं करेगी, बट अभी तक तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और सबसे अच्छी बात यह है कि भाई ये पेड ये मतलब ब्रांड कोलैब वाली थी, तो उनको जो इससे बेनिफिट मिलेगा वो जितना उन्होंने मुझे पैसे दिए हैं उससे कहीं मल्टीपल टाइम्स मिलेगा, तो उनको भी अच्छा ROI मिल रहा है और मेरा भी अच्छा वो चल रहा है, तो आगे चल के इट वी हैव अ पोटेंशियल कि भाई हम और बेटर डील्स कर सकेंगे स्पेशली इस कैटेगरी में। अच्छा कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी कि एक स्टूडेंट ने एक ही कोर्स को 2 बार पेमेंट कर दी थी, तो 2000 का वो था आई थिंक फ़ी थी एंड 4000 ट्रांसफ़र कर दिया था जल्दी बाजी में। तो अभी मैंने तो उन्होंने बेसिकली मेल भेजा कि भाई मैंने गलती से 2 बार पेमेंट कर दिए, मुझे रिफ़ंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। भाई ऑफ कोर्स मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। तो जस्ट अभी रेजर पे के थ्रू आई हैव इशूड अ रिफ़ंड, क्योंकि प्रोसेस हो रहा है और उनके जो भी ओरिजिनल जहाँ से भी पैसे उन्होंने पे किए होंगे उसके ओरिजिनल उसमें पहुँचने में 5 to 7 working days रेजर पे लेता है, तो उतना टाइम लगेगा एंड दैट स्टूडेंट विल गेट बैक हिज और हर मनी। तो लोग बहुत डरते हैं एक्चुअली, ऑनलाइन पेमेंट कर दिया तो
पता नहीं जेन्युइन है नहीं जेन्युइन है, एंड बहुत लोग इन चीज़ों का फ़ायदा भी उठाते हैं, और ये गलत नहीं है आप लोगों का डाउट करना, बिल्कुल सही है डाउट करना। मतलब मैं भी किसी को पेमेंट कर दूँ और लगेगा कि भाई फंस तो नहीं गए कहीं, तो प्रॉब्लम तो है क्योंकि बहुत लोग ठगने के लिए बैठे हुए हैं दुनिया में। लेकिन ये हम लोग के ऊपर है जो कि बिज़नेस ओनर है कि टू इंश्योर करना कि भैया अगर आप किसी बंदे ने गलत पेमेंट कर दी है या आपकी सर्विस वो नहीं यूज़ कर रहा है तो यू इंश्योर कि उसको अपने पैसे वापस मिल जाएं। दिस इज हाउ यू बिल्ड ट्रस्ट इन द मार्केट। अ फ्यू इंचेस लेटर ये हो रही गर्मी की तैयारियां, कूलर साफ। बाय, हैव अ ग्रेट टाइम। कहां जा रहे हो? कर लो ठीक। हां कर लो ठीक कूलर। क्या हुआ? नहीं भाई एकदम का एसी लगाने लगे। कर लो कर लो, आज ये ठीक करके रहेगा कूलर को। ये देखो मैं क्या देख रहा हूँ, फेसबुक पर वीडियो अपलोड करने का सही तरीका। सो बेसिकली अभी मैं जब पटना से वापस आ रहा था, अभी मैंने वो व्लॉग डाला हुआ है, अगर आपने देखा है, देखना चाहते हो देख लो, पटना की पूरी जर्नी है। तो जब मैं पटना से वापस आ रहा था तो आई मेट अ पर्सन, मतलब साथ में सीट पे एक देयर वाज अ गाय, वो अभी अपनी फर्स्ट वेब सीरीज शूट करके आ रहा था। मतलब वो ही वॉज नॉट द एक्टर बट यू कैन से अ प्रोड्यूसर और एन इन्वेस्टर इन टू दैट एंटायर वेंचर, जिसमें कि वो लोग वेब सीरीज़ क्रिएट कर रहे हैं और ओनली फेसबुक के लिए क्रिएट कर रहे हैं। सो ही सेड कि यार जो यूट्यूब है, यूट्यूब से भी ज़्यादा जल्दी ग्रोथ फॉर लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट, पर्टिकुलरली आई एम स्पीकिंग, यूट्यूब से भी ज़्यादा तेज़ ग्रोथ फेसबुक दे रहा है इस समय, और जो पैसे की बात है जो यूट्यूब देता है एड्स का शेयर देता है, यूट्यूब से ज़्यादा फेसबुक दे रहा है। तो दे वर ओनली फोकसिंग ऑन फेसबुक एंड फेसबुक ऑडियंस कि हम फेसबुक के लिए ही वेब सीरीज़ क्रिएट कर रहे हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसाइट ये चीज़ मिली मुझे उससे ये बात करके, एंड मेरे को भी यही लगा कि यार जो मैं ये व्लॉग्स डाल रहा हूँ आपके साथ, जो ये डाल रहा हूँ ये मैं यूट्यूब पे तो डाल ही रहा हूँ, इन एनी केस इसको मैं फेसबुक पे भी डाल के देखता हूँ एंड देखते हैं भाई क्या रीच आती है। तो वो जो उसने मुझे बताया वो सही है कि गलत है, ये मुझे तो तभी पता चलेगा जब मैं अपनी वीडियो डाल के देखूँगा और एक्सपेरिमेंट करूँगा और समझ में आएगा कि यार चल रही है कि नहीं चल रही है, अगर चल रही है तो कितने पैसे ला के दे रही है, नहीं चल रही तो कितने पैसे नहीं ला के दे रही है, एक्सेट्रा। बट इम्पॉर्टेंट ये है आप लोगों के लिए ये जानना कि यार देखो अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अलग तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, ठीक है। अगर आप अभी YouTube पे स्टार्ट करते हो कंटेंट क्रिएट करना तो महीनों सालों लग सकते हैं उसमें कुछ भी उखाड़ने में, ठीक है। लेकिन Facebook इस समय ऐसा है कि जिसमें जनता अभी भी है, हम लोग की जनरेशन या हमारे से जूनियर जनरेशन यूज़ नहीं करती, आप में से बहुत लोग यूज़ नहीं करते होंगे, लेकिन बहुत सारे अभी भी लोग हैं जो कि फेसबुक यूज़ करते हैं, देखते हैं कंटेंट, उस पर कंज्यूम करते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हम यूज़ नहीं करते हमको लगता है कि भैया ये कौन देखता होगा, बट ऐसा नहीं है, लोग देखते हैं तो वहाँ से भी पैसे मिलते हैं। तो मेरी जो रील्स है उससे मुझे ऑलरेडी $28 के अराउंड कुछ एक्यूमुलेट हुआ है अमाउंट, एंड आई हैव अराउंड 2 लाख फॉलोअर्स फेसबुक पे। बट जो एक्चुअली में जो पैसा एड्स रिवेन्यू से जो अच्छा पैसा आता है वो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट से आता है, यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी। तो फेसबुक पे अब मैं अपने व्लॉग्स को फेसबुक पे अपलोड करने जा रहा हूँ। तभी मैं वही यूट्यूब पे ढूंढ रहा था वीडियोस की, या फेसबुक पे एक्चुअली वीडियो अपलोड होती कैसे, क्योंकि मैंने कभी करी नहीं है। वैसे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा बट मुझे लगा यार बेस्ट प्रैक्टिसेस पहले देख लेनी चाहिए और उसके बाद फिर अपलोड करना उसको शुरू करते हैं। तो अभी मैं वही कर रहा हूँ। तो आज पहला दिन जो है मेरा वो फेसबुक पे व्लॉग अपडेट करने का भी पहला दिन होने वाला है, वेरी इंटरेस्टिंग। अब बताओ फिर से कोई होए होए होए, क्या लिखा है इस पे? पापा। पापा थोड़ी लिखा है इस पे, पापा क्या लिखा है इस पे? पापा। पापा नहीं लिखा है। काकू भी नहीं लिखा है इस पे, लिखा है बेनिफिशियरी नेम। आज नहीं कोई बात ही नहीं इसमें। ये देखो भाई आज एक और बहुत ही मजेदार रिकॉर्ड टूटने वाला है। आज के मेरे रेजर पे के ट्रांजैक्शंस देखो, तो ये आज के हैं 70, कल के थे 83, 90। सो आज मुझे उम्मीद है कि भाई मेरे 90 का रिकॉर्ड टूटेगा, क्योंकि अभी बज रहे हैं सिर्फ 6:30 और 6:30 तक ही ऑलरेडी 70 बिक चुके हैं। और सबसे ज़्यादा कब बिकते हैं कोर्सेज? शाम में, रात में, लाइक 9 बजे के बाद 12 बजे तक। तो अगर ऑलरेडी 70 हो गए हैं तो आई एम श्योर कि भैया 90 तो क्रॉस कर ही जाएगा, बट आई एम जस्ट होपिंग कि सेंचुरी पार हो जाए। तो ये आज के दिन के कोर्सेज हैं कि आज के दिन के ऑलरेडी 70 कोर्सेज बिक चुके हैं, देखते हैं कि भाई सेंचुरी आज हो पाती है कि नहीं। बहुत ही सही दिन जा रहा है आज यार। तो भाई हमारा वर्क डे हो चुका है खत्म और अब टाइम है पार्टी का, क्योंकि आज है इंडिपेंडेंस डे, तो भैया पार्टी तो आज के रहेगी, उसी की तैयारी चल रही है फिलहाल। Eventually.
तो भाई निकल पड़े हैं हम लोग पार्टी करने, और आज के लिए इस व्लॉग के लिए इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगा दूसरे व्लॉग में, उसमें बहुत सारी आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग चीजें लेके आने वाला हूँ। तो उन इंटरेस्टिंग चीजों को देखने के लिए भाई लाइक प्लीज कर दो, कमेंट करो यार कैसा लग रहा है व्लॉग, और सब्सक्राइब जरूर कर देना।